प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम इकाई 1 के अध्याय 1 में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास। आइए हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में हमारे देश की व्यापार और वाणिज्य की स्थिति किस प्रकार थी। तो यहां हम देखते हैं विस्तृत रूप से कि किसी भी देश का आर्थिक विकास वहां की भौतिक एवं प्राकृतिक संरचना व संस्कृति पर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से भारत का आर्थिक इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। भारत विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। ये उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गांव और दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटों के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से यह भारतीय इतिहास, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक के लिए भी ये सत्य है। भारत की सड़कों का जो मार्ग था, ये प्राचीन काल और मध्य काल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। तो ये रेशम मार्ग जो था, भारत की सड़कों का मार्ग प्राचीन काल और मध्य काल के ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। यह मार्ग सामान्य रूप से संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से एशिया में आसपास के विदेशों, राज्यों और साम्राज्यों से व्यवसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करता था। दूसरा मार्ग जो था वो कहलाता था मसाला मार्ग। मसाला मार्ग बेसिकली समुद्री मार्ग कहलाता था। भारत से मसाला के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग को मसाला मार्ग के रूप में जाना जाता था, जिसके माध्यम से भारत द्वारा विभिन्न देशों को मसाले निर्यात किए जाते थे। हमारे देश का जो केरल प्रदेश है, वो केरल मसाला व्यापार का प्रारंभ करने वाला विश्व का सबसे प्राचीनतम केंद्र था। इन मार्गों से धन संपत्ति का आवागमन होने के कारण यहां पर प्रमुख साम्राज्यों, व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। इससे घरेलू व विदेशी व्यापार के विकास में बहुत मदद मिली। प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत और सामुद्रिक अंतरदेशीय व विदेशी व्यापार और वाणिज्य ही था। ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में व्यापारिक केंद्र भी आए, जिससे व्यापारिक समुदाय के वर्चस्व वाले भारतीय समाज का निर्माण हुआ, जिससे राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सैनिक सुरक्षा में अधिकांश संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापारिक नियमों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई, जिससे एक सामान्य अर्थव्यवस्था बनी। मापन में एक रूपता आई तथा मुद्रा के रूप में सिक्कों के उपयोग ने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया व विस्तारित किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास किस प्रकार से रहा है। और अगले क्रम में हम चलते हैं स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना, कम उपयोगी वाली वस्तु देकर अधिक उपयोगी वाली वस्तु को प्राप्त करना। तो यहाँ आर्थिक जीवन में प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग को धातुओं ने अपनी विभाजकता और स्थायित्व के कारण स्थापित किया है। जैसे ही मुद्रा ने मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार हुई तथा धातु की मुद्रा की शुरुआत हुई और इसके उपयोग से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। प्राचीन भारत में व्यापार व वाणिज्य में महाजन व साहूकारों को, अर्थात देशी बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुगल काल में भारत में महाजनों एवं साहूकारों का उधार लेन देन बहुत बड़ी मात्रा में होता था।
तो यहां हम देखते हैं कि देसी बैंकर क्या थे। देसी बैंकर वे व्यक्ति या वे संस्थाएं थीं जो ऋण देने के लिए अतिरिक्त निक्षेप जमा स्वीकार करने तथा हुंडियों को लेने देने का कार्य करता था। यहां साहूकार महाजन ऋण देने व हुंडियों के लेन देन का कार्य तो करते थे, परंतु प्रायः निक्षेप जमा स्वीकार नहीं करते थे। तो यहां पर देसी बैंकर वो व्यक्ति या फर्म संस्था है जो सामान्य तौर पर हुंडियों को लेन देन का काम करते थे और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण प्रदान करते थे। मद्रास बैंकिंग जांच समिति के अनुसार उन्होंने कहा है कि इस आधार पर देसी बैंकर की श्रेणी से निकलना ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म जो हुंडी का व्यवसाय करता है, चाहे निक्षेप करता है या नहीं, देसी बैंकर की श्रेणी में आता है। तो यहां पर जो है इस प्रकार से देसी बैंकर को भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। पंजाब में महाजन, उत्तर प्रदेश में साहूकार, मारवाड़ में सेठ, महाराष्ट्र में सराफ, मद्रास में चेट्टी आदि नामों से जाना जाता था। तो यहां पर हम देखेंगे कि देसी बैंकर को जो है प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक बैंकिंग कार्य के रूप में और दूसरा गैर बैंकिंग कार्यों के रूप में। तो बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत जो इनके कार्य थे, इसके अंतर्गत ये यहां दो प्रकार से निक्षेप जमा स्वीकार करते थे। प्रथम मांग पर दे जमा व द्वितीय निश्चित अवधि समाप्ति उपरांत दे जमा के रूप में। साथ ही ऋण की ये सुविधा उपलब्ध कराते थे। ऋण फसल को गिरवी रखते थे, सोना चांदी गिरवी रखकर धन देते थे, मकान या संपत्ति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना इनका यह प्रमुख बैंकिंग कार्य था। दूसरा हम देखेंगे गैर बैंकिंग कार्य। गैर बैंकिंग कार्यों के अंतर्गत दुकानदारों व व्यापार करना, दूसरा व्यापारिक फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य करना। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था देश में जैसे जैसे सुदृढ़ होती गई, व्यक्तियों द्वारा दुर्लभ धातु अर्थात सोना चांदी सेठ या देसी बैंकर के पास जमानत पर रखकर ऋण दिया जाने लगा, उस ऋण को और अधिक उत्पादन व व्यापार में प्रयुक्त कर विकास किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि हमारी जो प्राचीन समय में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी वो किस प्रकार से कार्य करती थी। अगले क्रम में हम देखते हैं हुंडी। यहां हम देखेंगे कि स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत हुंडी क्या होती है। हुंडी एक शर्त विहीन विलेख है, एक प्रपत्र है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह मुद्रा की एक निश्चित राशि का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर यह एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दे। तो प्राचीन समय में साहूकार या देसी बैंकर व्यापार व वाणिज्य हेतु हुंडी जारी करते थे और इस समय ये प्रादेशिक भाषाओं में हुंडी लिखने की प्रथा चलती थी, जो कि सबसे प्रचलित उस समय की प्रणाली थी। तो यहां पर हमने जाना हुंडी जो है एक प्रकार का शर्त विहीन विलेख है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को आदेश देता है कि वह मुद्रा की एक निश्चित राशि का भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर एक निश्चित समय के पश्चात कर दे। हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेज का उपयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को द्रव्य धन के लेन देन में होने लगा। प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में उपमहाद्वीप में हुंडी ने काम किया, जो स्थानीय भाषा में थी और अनुबंध के आधार पर द्वारा बिना शर्त धन के भुगतान का वचन और वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण में परिवर्तनी थी। तो यहां पर उस समय जो हुंडी चला करती थी वो स्थानीय भाषा में हुआ करती थी और उसमें यह अनुबंध होता था कि बिना शर्त के धन का भुगतान जिस व्यक्ति को लिखा गया है उस व्यक्ति को करने का उसमें वचन होता था। और ये हुंडी जो थी उनके बीच में विनिमय के द्वारा हस्तांतरण में परिवर्तनी भी हुआ करती थी। इस प्रकार से प्रमुख हुंडियां जो प्रचलन में उस समय हुआ करती थी उनके नाम हम यहां पर देखते हैं, धनीजोग, साजोग, फमानजोग, देखनहार, फरमानजोग और जोखिमी।
यहां इसको हम जानेंगे हुंडी का नाम धनी जोग। धनी जोग क्या है? इसको व्यापक रूप में दर्शनी के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या था? किसी भी व्यक्ति को देय भुगतान पाने वाले पर कोई दायित्व नहीं। ये जिस व्यक्ति को दी जाती थी उसमें भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं होता था। दूसरी थी सहजोग, ये विशिष्ट व्यक्ति को देय होती थी और भुगतान पाने वाले पर दायित्व होता था। अर्थात ये सहजोग जो है पर्टिकुलर किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर भुगतान हेतु लिखी जाती थी। फिर फमान जोग, हुंडी जो थी आदेशित व्यक्ति को लिखी जाती थी। फिर देखनहार, ये वाहक या प्रस्तुतकर्ता को दे, अर्थात देखनहार हुंडी जो थी जिसके द्वारा भी वो हुंडी प्रस्तुत की जाएगी उसको उसका भुगतान किया जाएगा। फिर फरमान जो, हुंडी निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को दे, अर्थात ये मुद्दती कहलाती थी। एक निर्धारित समय में हुंडी का जब समय पूर्ण हो जाता था, उसकी अवधि पूर्ण हो जाती थी, उसकी मुद्दत पूर्ण हो जाती थी, तो संबंधित आदेशित व्यक्ति को उसका भुगतान कर दिया जाता था। फिर अंतिम थी जोखमी, ये प्रेषित माल पर आहरित, यदि माल मार्ग में खो जाए तो आहर्ता या धारक लागत बहन करता था और आहरी का कोई दायित्व नहीं होता था। तो ये इस प्रकार की हुंडी थी कि यदि माल रास्ते में खो जाए तो आहरी का इसमें कोई भी दायित्व नहीं होता था। तो इस प्रकार से यहां हमने देखा कि जो हुंडियां थी वो प्राचीन समय में मुख्य रूप से दो प्रकार से काम करती थी, एक समय के आधार पर और दूसरा भुगतान के आधार पर, जिनमें ये प्रमुख रूप से धनी जोग, सहजोग, फमान जोग, देखनहार, फरमान जोग और जोखमी हुंडियां कार्य के रूप में संचालित थी। आइए हम चलते हैं हमारे व्यापार परिवहन। किसी भी देश के व्यापार वाणिज्य के विकास में परिवहन की भूमिका बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे भारत में व्यापार वाणिज्य के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं कि परिवहन की स्थिति हमारे देश में उस समय किस प्रकार की थी। भारत में व्यापारिक दृष्टि से दो प्रकार के परिवहनों का विकास हुआ। प्राचीन समय में सड़क एवं जल परिवहन ही सर्वाधिक प्रचलित था। व्यापार जमीनी मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों के द्वारा ही होता था। सड़क परिवहन के प्रमुख मार्ग थे उस समय उत्तर से दक्षिण मार्ग व दूसरा उत्तर से दक्षिण। पूर्व तीसरा गंगा व यमुना नदी के प्रवाह की दिशा के साथ साथ पूर्व पश्चिम को जाने वाला मार्ग, उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र तक का मार्ग उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। उत्तरापथ के अलावा भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग दक्षिणोपथ के नाम से जाना जाता था। यह राजपथ उत्तर कौशल से प्रारंभ होकर दक्षिण भारत को जाता था। उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्गों में वैशाली का स्थान भी प्रमुख था। यहां पर हम देखेंगे कि सड़क परिवहन के उस समय प्रमुख साधन कौन कौन से थे। तो प्राचीन समय में सड़क परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में पैदल यात्रा, बैलगाड़ी, खच्चर गाड़ी, इक्का ऊंट गाड़ी, हाथी घोड़ा आदि प्रमुख थे। उस समय देश में जो है पक्की सड़कें नहीं थी। वर्षा ऋतु में मारवाड़ी पशुओं का प्रयोग किया जाता था और उसकी सहायता से काफले एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लाते ले जाते थे। दूसरा मार्ग जो था वो था प्रमुख रूप से जल मार्ग। तो यह भारत में दूसरा प्रमुख साधन जो जल मार्ग था। जल परिवहन की महत्ता जो है सिंधु घाटी की सभ्यता से है। जल परिवहन अपेक्षाकृत सस्ता व कम श्रम वाला था, परंतु इसमें जोखिम अधिक रहता था। प्राचीन भारत में परिवहन का विकास व्यापार व वाणिज्य को ध्यान में रखते हुए हुआ। यदि मध्यकालीन भारत में व्यापार व वाणिज्य का विकास देखें तो इस क्षेत्र के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला गंगा, सिंधु गंगा का मैदान, इसमें काश्मीर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अवध और बंगाल मुख्य रूप से व्यापारिक क्षेत्र थे। यह भाग भारत में उद्योग व्यापार व वाणिज्य की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र थे।
दूसरा गुजरात खान देश व बरार क्षेत्र, इसमें व्यापारिक रूप से विकसित क्षेत्र अहमदाबाद, गुजरात खान देश एवं बरार सम्मिलित थे। तीसरा तटीय क्षेत्र, इसमें मालवार और कोरोमंडल तट सम्मिलित थे। मालवार तट पर लोहा एवं इस्पात जहाज निर्माण उद्योग प्रमुख थे। इस तट पर मुजरिस केरम बंदरगाह का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लंबा इतिहास है। यह 3000 ईसा पूर्व से प्रमुख मसाला व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित था। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में ब्लैक गोल्ड के नाम से जानी जाती थी। काली मिर्च का जो नाम है वो क्या था उस समय? ब्लैक गोल्ड के नाम से वो जानी जाती थी। और इसके व्यापारिक मार्ग पर अपने नियंत्रण को लेकर साम्राज्य में अनेक झगड़े भी हुआ करते थे। केरल, जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये वो स्थान है जहां व्यापारी और खोजकर्ता पहुंचना चाहते थे। इसमें कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, तथा वास्को डी गामा प्रमुख थे। कोरमंडल तट सूती वस्त्र व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। तो यहां पर जो परिवहन की स्थिति हमारे देश की उस समय थी, व्यापार और वाणिज्य के इतिहास के अंतर्गत, ये इसको हमने यहां पर जाना। भारत के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र प्राचीन समय में थे हमारे, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के शहर थे, उन्हें तटीय शहर, औद्योगिक शहर, धार्मिक शहर आदि के नाम से प्रमुख रूप से जाना जाता था। ये शहर उस समय की व्यापारिक संपन्नता को दर्शाते थे। उस समय के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक शहर थे, उनमें प्रमुख रूप से यहां हम जानते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वर्तमान में पटना शहर कहलाता है। 17वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहां चावल, रेशम आदि के निर्यात के साथ पत्थरों का निर्यात भी यहां बड़ी मात्रा में होता था। दूसरा पेशावर, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन शहरों में इसकी गिनती होती थी। पेशावर सदियों से पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार का केंद्र रहा है। यहां पर जो है बड़ी मात्रा में घोड़ों का आयात होता था। ऊन के साथ साथ जो है घोड़ों का ऊन का निर्यात होता था और घोड़ों का आयात होता था। अगला था तक्षशिला। प्राचीन भारत में तक्षशिला गांधार देश की राजधानी तथा शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल था। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। आचार्य चाणक्य ये यहाँ के आचार्य थे। तो ये थी तक्षशिला। इसके बाद बनारस। बनारस गंगा तट पर बसा हुआ शहर है, जहां पर जलमार्ग एवं उत्तर पूर्व राजमार्ग द्वारा सड़क मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायमपन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ की बनारसी रेशम की साड़ियों को जरी का जो काम है वो विश्व प्रसिद्ध है। और सूरत, सूरत जो है मुगल शासन में यह पश्चिम क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहां कपड़ों पर जरी का काम व हीरे के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उज्जैन, यहां विश्व के विभिन्न शहरों, यहां से सुलेमानी पत्थर, कार्नेलियम रत्न, मलमल व सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इसका तक्षशिला एवं पेशावर से सड़क मार्ग द्वारा भी व्यापारिक संबंध था। इसके बाद भरूच, ये एक ऐतिहासिक बंदरगाह है जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यहां रोम, पश्चिम यूरोप के देशों को जाने वाले मसाले व सिल्क जहाज से यहीं लादे जाते थे। अरब देशों के व्यापारी भी यहीं से प्रवेश करते थे। यहां ब्रिटिश व डच व्यापारियों ने अपने केंद्र स्थापित कर रखे थे। इसके अलावा मथुरा, कांची, ताम्रलिप्ति, कावेरी, पट्टिनम आदि के साथ ढाका की मलमल, कालीकट का धुला व बगैर धुला रंगीन कपड़ा, लाहौर के गलीचे, बंगाल में निर्मित वस्त्र चंदन एवं कोरा कश्मीरी साल, राजपूताना, मिनी के आभूषण आदि प्रमुख थे। तो उपयुक्त आधार पर हमने देखा कि जो शहर के, भारत देश के हमारे प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो उपरोक्त थे। प्राचीन भारत में उस समय हमारे भारत के जो प्रमुख निर्यात
व आयात क्या क्या थे उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। प्राचीन भारत में उसका व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन उसके अत्यधिक पक्ष में था, अर्थात भारत के द्वारा जितना भी व्यापार किया जाता था उसके भुगतान संतुलन जो था वो समकक्ष था, बराबर था। यहाँ से अधिकांश वस्तुएं निर्यात की जाती थी, आयात करने के लिए बहुत कम वस्तुएं थी, अर्थात देश से निर्यात की मात्रा ज्यादा थी, आयात की मात्रा कम थी। वास्तव में विदेशियों द्वारा भारत की खोज भी यहां से बहुमूल्य व अद्भुत वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही की गई थी। प्राचीन समय में यहां से निर्मित वस्तुओं का निर्यात होता था। उस समय यहां वस्त्र उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, खनिज उद्योग, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, रंग व नील उद्योग इत्यादि चरमोत्कर्ष पर थे। परंतु अंग्रेजी शासनकाल ने अपने झूठ फरेब व कुटिल चालों से यहाँ की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, भारत को केवल कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। निर्मित माल ब्रिटेन से आने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अवस्था में पहुंचकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में जो वस्तुएं प्रमुख रूप से निर्यात की जाती थी उस समय लोहा एवं इस्पात, सूती व रेशमी वस्त्र, जरी की साड़ियां या वस्त्र, मलमल, गलीचे, मसाले, गेहूं, चीनी, बहुमूल्य पत्थर, नक्काशी के पत्थर, कलात्मक वस्तुएं, मीना के आभूषण, नील व रंग, ऊनी वस्त्र, पीतल, तांबे व बेट मेटल के उत्पाद, जीवित पशु व पशु उत्पाद, चमड़ा व जूते, तिल का तेल इत्यादि, ये वस्तुएं प्रमुख रूप से भारत के द्वारा उस समय निर्यात की जाती थी। जबकि आयात की जाने वाली वस्तुएं जो थी घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी, रेशम, स्वर्ण, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, मूंगा, कांच, अलसी, लिलन, शराब, रूबी, अंबर इत्यादि, तो ये जो हैं उस समय भारत के प्रमुख निर्यात व आयात हुआ करते थे। आइए हम जानते हैं विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति किस प्रकार थी। अनेक इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकारा है कि प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली था। प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पूरे विश्व की एक तिहाई संपत्ति यहां थी। संसार का सबसे धनी देश होने के कारण इसको सोने की चिड़िया या स्वर्णद्वीप के नाम से पुकारा जाता था। कृषि और उद्योगों के मध्य बेहतर संतुलन था, सामंजस्य था, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी वांछनीय स्थिति को बनाए रख सका। उस समय भारत एक विशाल कृषि व प्रधान तथा औद्योगिक देश था। भारत के पास निर्यात करने के लिए बहुत कुछ था, जबकि आयात करने के काबिल कुछ भी नहीं था। निर्यात के बदले वह सोना व चांदी प्राप्त करता था, क्योंकि दूसरे देश की वस्तुओं की भारत में मांग नहीं थी। सन 1600 में जब अंग्रेज व्यापार करने की दृष्टि से भारत में आए, भारत की भूमि पर उन्होंने अपने कदम रखे, उस समय उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करके उसने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे इस कंपनी ने का प्रभाव बढ़ने लगा, इससे यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अपना कब्जा जमाते हुए सन 1858 में भारत की राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लिया और तब से भारत इंग्लैंड का उपनिवेश माना जाने लगा। और फिर अंग्रेजों ने भारत के कच्चे माल को निर्यात कर अपने यहाँ मशीनों से बने माल को आयात करना शुरू कर दिया, जिसका प्रभाव ये रहा कि यहाँ के दस्तकारी व कुटीर उद्योग लगभग समाप्त होने लगे, जिससे भारत आर्थिक गतिहीनता की दिशा में पहुंच गया और एक निर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में अनेक समस्याएं थीं
जिनमें खाद्यान्न आवश्यकता की कमी, नीची प्रति व्यक्ति आय, प्रतिकूल व्यापार एवं भुगतान संतुलन, अशिक्षा, गरीबी आदि प्रमुख थी। सरकार ने 1948 में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति व 1991 में आर्थिक नियोजन को अपनाया। कृषि क्षेत्र में उन्नयन हेतु 1966 में हरित क्रांति को लागू किया, परंतु इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का आवश्यकता के अनुरूप विकास नहीं हो सका, जिसके पीछे नीची पूंजी निर्माण दर, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, अपर्याप्त आधारिक संरचना, गैर उत्पादक व्यय, सार्वजनिक क्षेत्रों की असफलता आदि प्रमुख रहे। उपयुक्त समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए। इनमें प्रमुख रूप से उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। कर संरचना में सुधार किया गया। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए। इन सबके प्रतिफल स्वरूप आज देश में बड़ी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। पूंजी निर्माण में बचतें तेजी से बढ़ रही है। घरेलू उपयोग बढ़ रहा है। भौतिक तथा सामाजिक आधारिक संरचनाओं के विकास में तीव्रता आई है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो यहाँ हमने जाना कि भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास किया था। कुछ प्रमुख प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्राचीन भारत में व्यापार वाणिज्य का इतिहास समझाइए। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या है इसके कार्य समझाइए। हुंडी के प्रकारों को समझाइए। प्राचीन भारत में परिवहन की स्थिति किस प्रकार थी ये बताइए। प्राचीन भारत में 6 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को समझाइए, उनकी व्याख्या कीजिए। और प्राचीन भारत में प्रमुख निर्यात व आयात की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा चैप्टर था भारत में व्यापार और वाणिज्य का इतिहास।